गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजेश अरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो सेकंड लेक्चर वीडियो है आपका केमिकल काइनेटिक्स के लिए, इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट का थोड़ी सी रिविज़न भी करेंगे एंड फर्दर जो है उसकी जो टॉपिक्स है उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या था? केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट यानी स्पीड को मेजर करते हैं, उसी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते थे? तीन प्रकार के होते थे। एक होता था फास्ट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो कि 10^-12 सेकेंड से कम में हो जाता था उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन कहते थे। दूसरा होता था स्लो रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसको बहुत ज़्यादा समय लगता था कंप्लीट होने में उसको हम लोग स्लो रिएक्शन कहते थे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। और फास्ट रिएक्शन में एग्जांपल आपको याद रखना आयोनिक रिएक्शन। तीसरा था मॉडरेट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो कि ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी होता है ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो कैसे होते हैं? मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि सारा चीज़ पूरा चैप्टर का जो खेल है वो रेट से, रेट का मतलब है स्पीड। तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर टाइम। रेट का मतलब होता है स्पीड। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब वो पूछना चाह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का स्पीड क्या है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का रेट या स्पीड जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब या तो रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन या तो प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन, पर यूनिट टाइम को ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझ आते हैं। मान लो कि ये रिएक्शन जो है आर गिव्स प्रोडक्ट दे रहा है, जहाँ पर आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है, तो जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा टाइम। ठीक है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रिएक्टेंट होता है, चूँकि रिएक्टेंट घट रहा है इसलिए माइनस साइन लगेगा। और अगर तुम प्रोडक्ट को लिखोगे तो क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा टाइम। यही आपका रेट ऑफ द रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होता है क्या? मोल पर लीटर होता है ना कंसंट्रेशन। पर टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड। मतलब मोल ऊपर रहेगा, लीटर का पावर -1 और सेकंड का पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा? आपका एसआई यूनिट हो जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन में दोनों चीज़ हो सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। दोनों जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला है। मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ जिसमें स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बी गिव्स स्मॉल सी सी प्लस स्मॉल डी डी, जहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी जो है वो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो एवरेज रेट जो होता है वो कैसे होता है? मैंने बताया था इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस तरीके से लिखने का प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ध्यान दें, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, है ना। तो रेट जो हो जाएगा, चूंकि ये रिएक्टेंट है और इसके आगे लगा हुआ ए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -1/a, माइनस क्योंकि इसका कंसंट्रेशन घट रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बी है ना, तो -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो और इक्वल हो जाएगा प्लस है क्योंकि अब प्रोडक्ट आ गया, तो 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर डी आ गया तो क्या लिखेंगे? 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, मतलब किस स्पीड से ए घट रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिसअपियरेंस मतलब घट रहा है। रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस में डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी हो जाएगा प्लस डेल्टा डी बटा डेल्टा टी। अब टाइप्स ऑफ रेट, हम लोगों ने तो अभी तो देखा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन तीन प्रकार का, एक होता था फास्ट रिएक्शन, एक होता था स्लो रिएक्शन और एक होता था मॉडरेट रिएक्शन। यहाँ स्पीड का ही टाइप पूछ रहा, तो टाइप्स ऑफ रेट दो प्रकार के रेट होते हैं, एक होता है बच्चों एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन जो है पूरा
दो घंटे चला, मतलब 120 मिनट चला, तो सोचो कितना सेकंड चला होगा, 60 से मल्टीप्लाई करके 72,000 सेकंड तक चला होगा। तो टोटल जो प्रोसीजर उसका लगा, उस प्रोसीजर का रेट निकालने को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ध्यान दें, एवरेज रेट में हमेशा डेल्टा लगेगा, तो हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे एज डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। अब क्या करो, इंस्टेंटेनियस रेट डाल सकते हो। हाँ, तो हम लोग एवरेज रेट कर चुके थे, अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे करोगे। एवरेज रेट होता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट वर्ड से ही इंस्टेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे रिएक्शन का स्पीड पूछेगा या रेट पूछेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये रिएक्शन जो है वो ए से बी की ओर प्रोसीड कर रहा है, और सपोज दैट एट टाइम बराबर 4 सेकेंड आपसे पूछ दिया कि रिएक्शन का स्पीड क्या है, तो इस स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब दैट रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी खास समय पे नापा जाता है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। अच्छा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में क्या अंतर है कि एवरेज में यहाँ पर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट में ध्यान देना यहाँ पर डी सी बाई डी टी होता है। क्या होता है, डी सी बाई डी टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का स्पीड जो है किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला वो नेचर और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है और उसका गाढ़ापन कितना है। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट, चौथा सरफेस एरिया, पांचवा रेडिएशन, छठा प्रेशर ऑफ द गैस। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्पीड होता है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा मतलब जितना बड़ा कंटेनर में रिएक्शन करोगे उतना स्पीड से होगा, रेडिएशन एंड कैटलिस्ट का मतलब हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है, तो कैटलिस्ट का यूज़ करने से रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब होगा कि गैस का जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है, मतलब इन इन बातों पर डिपेंड करता है। अब देखो रेट लो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। रेट लो एक्सप्रेशन में मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी गिब्स प्रोडक्ट, तो जो रेट होता है रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ए का पावर, पावर ऊपर चढ़ेगा ए मल्टीप्लाइड बाई जो बी है उसका पावर बी, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते थे, है ना, जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड कर जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, ए का पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी का पावर बी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब ध्यान दो, अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कॉन्स्टेंट लगेगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट ए का पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी का पावर बी, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर ए और बी क्या है, तो यहाँ पर ए जो है ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और के को हम लोग रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो के मल्टीप्लाइड बाई जितना रिएक्टेंट है उसका पावर ऊपर जो बैलेंस करने पर जो आगे लगता है इनटू बी का पावर बी, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जो ये कांस्टेंट आया के, उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा चर्चा करना, दैट इज़ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इन द अबव एक्सप्रेशन, ये जो अबव एक्सप्रेशन था इसमें के जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, अब ध्यान से बात समझना, रेट इज इक्वल टू क्या आया था, के इंटू ए का पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी का पावर बी। सोचो अगर मैं ए का कंसंट्रेशन 1 कर दूं और बी का भी कंसंट्रेशन 1 कर दूं, तो 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होगा, और बी 1 का पावर बी का वैल्यू कुछ भी ले लो तो 1 ही होगा, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो R इज इक्वल टू के बन जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ कांस्टेंट है वो रेट ऑफ द रिएक्शन बन जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एज वेल एज बी बोथ बिकम्स यूनिट, विच मीन्स रेट कॉन्स्टेंट जो है के वो
क्या बन जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन तब बन जाएगा जब दोनों का मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, दैट इज वन हो जाएगा, तब आर इज इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है। तो रेट कॉन्स्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब यही बात देखो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, कैसे बता रहा है देखता हूँ मैं, है ना। हाँ तो मैं बता रहा था क्या कि रेट कांस्टेंट जो है मतलब के जो है वो आर के बराबर हो जाएगा, कब, जब दोनों का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, वन हो जाए, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, उसका रेट क्या होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि के इज इक्वल टू जो होता है, के इज इक्वल टू वो क्या होगा, आप देखो ध्यान से, आर इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी था, ध्यान देना। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी। रेट 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 क्या होता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल ऊपर जाता था, लीटर नीचे और सेकेंड भी नीचे। ए का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन, मतलब ये क्या हो गया, मोल पर लीटर का पावर ए है और बी है, तो हम लोग जानते हैं ना जब भी सेम चीज़ रहता है मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाता, तो ए प्लस बी ये होगा। अब देखो ये चीज़ जो ऐसा ही यूनिट है ये इसका, ये आपको तब क्लियर होगा जब आपको ऑर्डर पता चल जाए, और ऑर्डर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर अभी ज़्यादा ध्यान ना दें, ये चीज़ कैसे आ गया सर, ए बी क्या हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन, मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन का स्पीड को बताता है, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा रेट कांस्टेंट का उतना ज़्यादा रिएक्शन का स्पीड हो जाएगा, बस सिंपल बात है। दूसरा, एवरी रिएक्शन हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक रिएक्शन का किसी पर्टिकुलर मतलब निश्चित टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू तभी चेंज हो सकता है एकमात्र जब आप टेम्परेचर को चेंज करो। थर्ड पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेज विद द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि कोई रिएक्शन था ए गिव्स बी और टेम्परेचर 298 केल्विन पे, रेट था मान लो 50। अब इसी रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर हम मान लो 500 केल्विन कर दे तो रेट हो जाएगा आपका कुछ बहुत ज़्यादा, मान लो हो गया 5000। तो क्या बोल रहे हैं कि सेम रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान दे दो, रेट कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, ब्रह्मा जी का वरदान। क्या ब्रह्मा जी का वरदान दिया गया रेट कांस्टेंट को, कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन पर है ना, ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर इसलिए नहीं डिपेंड करता है, आपको आगे जाकर के ऑर्डर में पता चलेगा, क्योंकि उसका पावर का वैल्यू का उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट नंबर 4 है वो तब क्लियर होगा जब आपको ऑर्डर क्लियर हो जाए, तो दो चीज़ें आपको तब क्लियर होगी। ये पहला, जो के का ऐसा यूनिट है वो 1/time × 1/concentration का पावर n/n है, ये तो आप अभी लिख लो पर याद मत करो, याद कब करोगे, जब आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। और चौथा नंबर, ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट में जानना है कि के का वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, के जो है वो किसी भी रिएक्शन का स्पीड को बताता है, हर एक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर के का वैल्यू होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन का ऑर्डर किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको रट ही लेना है क्योंकि डायरेक्टली आता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन ऑफ द, पहले तो रेट लॉ किसको बोलते हैं, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दिखाता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड है। जैसे मान लो R इज इक्वल टू के ए का पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी का पावर बी, इसी को तो रेट लो बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें बता रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो ए और बी मतलब इसके कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
अब ये जो ऑर्डर क्या होता है, तो रेट लो में ये जो आए थे ए पावर और ये जो आया था बी पावर, है ना, तो इसी में जब हम लोग इनके जो पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, एंड द सम ऑफ इंडाइसेज या पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म अपियरिंग इन द रेट लो, मतलब रेट लो में कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स होते हैं तो उनके पावर्स को ऐड करने पे जो नंबर आता है वही उसका ऑर्डर होता है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, टू अंडरस्टैंड वाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेट अस हैव एन एग्जांपल। आपको क्या दिया हुआ, 2NO प्लस 2H2 गिव्स N2 प्लस 2H2O। अब देखिए इसमें क्या किया गया, ये कैसे निकालते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन था, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का यूज करके नाइट्रोजन और वाटर बनाया जा रहा था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इतना था और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इतना था तो रेट इतना था। चलो, मतलब रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NO का पावर A मल्टीप्लाइड बाई H2 का पावर B, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ पर बोलो सर 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है, ठीक है, तो हमने लिख दिया, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान दो, हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया था कि R इज इक्वल टू K NO का पावर A एंड मल्टीप्लाइड बाई H2 का पावर B, ये हो गया। अब ध्यान से समझो, इसमें देखो, इसमें क्या किया गया कि NO का कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया है। NO का कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया, डबल। तो जब NO का कंसंट्रेशन डबल है और H2 का कंसंट्रेशन सेम है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं है लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, और डबल करने पर रेट जो है वो 4 गुना हो गया। क्यों, क्योंकि 3 से 1.2 तभी बन सकता है, तो 3 × 12, देखो 10^-4 से 10^-5 से -4 हो गया, मतलब 4 से ये गुना हो गया। या तुम उतना नहीं बुझा रहा है तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके देख लेना, है ना, आपका 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है, मतलब इसका पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे। किसी चीज़ को डबल करने पे उसका रेट 4 गुना हो जा रहा, मतलब 2nd पावर पे डिपेंड कर रहा। अगर किसी चीज़ को डबल करने पे वो भी डबल हो रहा, मतलब ये 1st पावर पर डिपेंड कर रहा। किसी चीज़ को डबल करने पे वो 8 टाइम्स हो जा रहा, मतलब वो 8th पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये 2nd पावर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम लोग 2nd और 3rd पे देखते हैं। 2nd में क्या किया हुआ, 2nd और 3rd में कि NO का कंसंट्रेशन अगर सेम रखा है लेकिन H2 का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। अब H2 का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट बस डबल हुआ है, हाइड्रोजन का जब गाढ़ापन को डबल किया गया तो रेट सिर्फ डबल हुआ है, मतलब ये इसका 1st ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू K NO का पावर 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर ये हो जाएगा आपका 2+1=3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही आपको 1 और 2 दिखा करके बता रहा है। अब देखिए, रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहेंगे और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन किसको बोलेंगे। वैसा रिएक्शन, है ना, दैट रिएक्शन जो कि सिर्फ एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, और वैसा रिएक्शन जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कहेंगे। ध्यान से समझो, वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, और वैसा रिएक्शन जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब यहाँ समझने वाली बात है मॉलिक्युलरिटी पर, कि मॉलिक्युलरिटी सर क्या होता है। सर पहले आप एलिमेंट्री और कॉम्प्लिकेटेड का 1-2 एग्जांपल दे दीजिए। तो देखो मैं बताता हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन में मान लो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बना दिया वाटर, तो ये एक स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। कुछ जो बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, है ना, ये देता है। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, पहले क्या होगा, 6CO2 टूटेगा C+O2 में, फिर 6H2O टूटेगा, फिर और चीज़ टूटेगा, फिर कुछ चीज़ जुड़ करके ग्लूकोज बनेगा। तो वो रिएक्शन जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है जी, मॉलिक्युलरिटी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस ऑफ द रिएक्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ 2-3 बातें कंफ्यूजिंग है। पहला कि सर हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर निकालने का तरीका है
कि रेट लो एक्सप्रेशन में जो पावर है, रेट लो एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर, उनको ऐड कर दो तो ऑर्डर आ जाएगा। सर अगर हमको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना हो तो रेट लो एक्सप्रेशन लिखना आसान होता है, जो भी पावर है वो नीचे आ जाता है, प्लस माइनस करके हम लोग लिख देते हैं ना, तो वो आपका रेट लो एक्सप्रेशन हो गया। सर एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में ख़त्म हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में ख़त्म हो। सर मोलिकुलरिटी किसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में बताइए। मोलिकुलरिटी देखो किसको बोलेंगे, सिंपली बता देता है, एकदम सिंपल। मान लो N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन क्या बैलेंस है? बिल्कुल सर बैलेंस है। तो देखो यहाँ कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करके रिएक्शन कर रहे हैं। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन का तीन मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? चार हो गई। मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग ऐड कर दें तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। क्लियर है? जैसे सबको देखो PCl5 तो रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर हुआ। 2HI रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल इसलिए बाई मॉलिक्यूलर हुआ। 2SO2+O2 मतलब दो और एक तीन ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया। एक और एक दो मतलब बाई मॉलिक्यूलर हो गया। दो और एक मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया। दो और एक तीन ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया ना, तो ये आज का मॉलिक्यूलरिटी करने का तरीका होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन से पहले आपको पढ़ना होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर होता है। ऑर्डर पे और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर होता है, ध्यान दो। ऑर्डर जो है हम लोग हवा में नहीं निकाल सकते, ध्यान दो। जैसे मान लो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी ने मॉलिक्यूलरिटी पूछा M, तो एक और तीन चार डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रेट लो एक्सप्रेशन। और वो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे मोलिकुलरिटी चार लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई N2 का पावर A मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन का पावर B। अब बोलो सर आपने 1 और 3 क्यों नहीं लिखा A और B की जगह? देखो ये जो A और B का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, वो हम लोग निकालते हैं किससे? एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? सर आपने अभी मैंने जो अभी ऊपर में बताया था ना कि अगर इसका हाइड्रोजन का डबल कर दे और उसको सेम रखे तो ये चरगुना हो गया, एक को सेम रखने पे दूसरा को डबल करने पे दोगुना हो गया, तो वही बोलता है एक्सपेरिमेंट। तो रेट लो एक्सप्रेशन यानी ऑर्डर हवा में नहीं निकाला जाता, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से किया जाता। और तुम कभी भी रिएक्शन देख करके किसी का ऑर्डर नहीं निकाल सकते, आप कभी भी किसी भी रिएक्शन को देख करके उसका मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल निकाल सकते लेकिन ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट का डाटा चाहिए ही चाहिए, जो हमने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का डेफिनेशन ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में अंतर। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब विच एक्चुअली डिपेंड्स, ये हम लोग ये नीचे वाला डेफिनेशन अच्छा है। इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन में जो भी रिएक्टेंट का पावर है उसका सम कर दो, ध्यान दे रेट लो एक्सप्रेशन, नॉर्मल कोई भी एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन लिख दो, उसके जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको गिन लो, बस वही आपका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। ऑर्डर ध्यान रखना फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर 1 हो सकता है, ऑर्डर किसी का 2 हो सकता है, ऑर्डर 1/2 हो सकता है, माइनस कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा और ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जैसे ऐसे होगा N2+3H2 गिव्स 2NH3, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी जो है 1 और 3 4 हो गया ना, 1 और 3 4, तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा बढ़िया नंबर होता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या होता है कि ऑर्डर को कभी भी हम लोग ये बात बोल हवा में नहीं निकाल सकते, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा थ्योरेटिकली डिटरमाइन होता है। थ्योरी देखो, बस रिएक्टेंट का टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करो तो आंसर आ जाएगा। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी पॉसिबल होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी पॉसिबल होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल होता है। नेगेटिव ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन किस प्रकार का होगा वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है लेकिन वो मॉलिक्यूलरिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है, बहुत ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, जीरो, वन, सेकंड, थर्ड, लेकिन मोलिकुलरिटी ज़्यादा से ज़्यादा तीन तक ही होता है या चार तक ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। जैसे यूनिमोलिकुलर एक ही रिएक्टेंट, बाई मोलिकुलर देखो दो है, ट्राई मोलिकुलर दो और एक तीन है, लेकिन ऑर्डर जो है हम लोग कभी ऐसे नहीं गिन सकते कि सर एक है, सर दो है तो तीन है। तो देखो यहाँ तो दो है लेकिन ये जीरो ऑर्डर है, तो क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकाल करके देखा गया था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है ना। तो ये आपका तरीका होता है किसी भी चीज़ का मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बीच में डिफरेंस करने का, ठीक है। आप लोगों को ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार थोरोली रीड करिए, तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लोग क्या करते, बस लेक्चर देखते, उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं करते, जो भी साइड बुक है या जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है उसको थोरोली आप पढ़िए, इतना पढ़ने के बाद जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको सारी चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में नहीं बनाया था, सभी को मैंने भेजा था फिर भी नहीं बनाया था, ये वाला पीडीएफ मैंने इससे जो पहले वाला पीडीएफ है उसमें आपको तीन चार क्वेश्चंस पहले तो समझाए भी गए हैं टाइप वन टाइप टू के, और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए, तो उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।